दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी की बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, एसबीआई का पूरा नाम क्या है और ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, एसबीआई यानी जो शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों, दो नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? तीन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं? चार नंबर क्वेश्चन है, कातरा कीट के कोषित अवस्था कहाँ विकसित होती है? इसके बाद में दोस्तों, अपना पाँच नंबर क्वेश्चन है, टिड्डी के अंडे की संरचना कैसी होती है दोस्तों? इसके बाद में छः नंबर क्वेश्चन है, जो संकोचक किसे कहते हैं? इसके बाद में दोस्तों, सात नंबर क्वेश्चन है, नाशपति के दग्ध अंगमारी रोग की खोज पादप पर की गई, किस पादप पर की गई? ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो अपना भिंडी का पीत मोजेक रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। फिर दोस्तों, जो ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है, तो दोस्तों नौ नंबर जो क्वेश्चन है वो एल्गोरिथम क्या है? इसके बाद में जो दस नंबर क्वेश्चन है, सूत्रकर्म यानी निमेटोड को परिभाषित कीजिए। इसके बाद में दोस्तों, इसकी परिभाषा देनी थी। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, केंचुए की मैथुन क्रिया में कितना समय लगता है? फिर दोस्तों, बारह नंबर क्वेश्चन है, हैचरी क्या है? तेरह नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्रित पालन यानी पॉलीकल्चर को समझाइए। फिर दोस्तों, चौदह नंबर क्वेश्चन है, ग्राम्यन को परिभाषित कीजिए, वह ग्राम्यन की कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, ठीक है, ग्राम्यन में। इसके बाद में जो अपना पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को समझाइए, भारत में टिड्डी की पाई जाने वाली प्रजातियों को समझाइए। फिर दोस्तों, जो अपना सत्रह नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोनिक्रित हाइड्रोकार्बन्स को समझाइए। इसके बाद में अठारह नंबर क्वेश्चन है, श्रमिक मधुमक्खियां शहद को इकट्ठा किस प्रकार करती है दोस्तों? इसके बाद में जो अपना उन्नीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जैविक नियंत्रण के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। फिर दोस्तों, बीस नंबर क्वेश्चन है, जो आर्किबैक्टीरिया पर टिप्पणी करनी है। फिर दोस्तों, कवक में कवक जाल को समझाइए। इसके बाद में दोस्तों, जो अपना बाईस नंबर क्वेश्चन है, गेहूँ के मौल्या रोग के चक्र को समझाइए। फिर दोस्तों, तेईस नंबर क्वेश्चन है, जीरे में जो मलानी रोग के प्रबंधन का उल्लेख कीजिए। फिर दोस्तों, चौबीस नंबर क्वेश्चन है, रोहू मछली का नामांकित चित्र बनाइए। फिर दोस्तों, पच्चीस नंबर क्वेश्चन है, अमरूद के मलानी रोग के लक्षण पहचान को लिखिए, इस रोग के रोगजनक व रोग प्रबंधन का वर्णन कीजिए। फिर दोस्तों, छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, घोंगे का वर्गीकरण लक्षण पहचान को लिखिए। इसके बाद में दोस्तों, सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के विभिन्न चरणों को समझाइए। फिर दोस्तों, बीस नंबर जो अपना अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये अट्ठाईस है, ठीक है, कातरे के लक्षण क्षति एवं महत्व के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर दोस्तों, तीस नंबर क्वेश्चन है, टिड्डे के मुखांगों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, ये थी अपनी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ज़्यादा कमेंट करना दोस्तों कि आप जैट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप जैट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको यहाँ पे नॉलेज मिलता रहता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।